ओम शांति। जो महान आत्माएं अध्यात्म के मार्ग पर चल रही हैं, ज्ञान और योग के मार्ग पर चल रही हैं, उनका प्रैक्टिकल जीवन होता है न्यारापन और प्यारापन, डिटैच्ड एंड लविंग। ये बहुत ही एक सुंदर स्थिति है, संसार में विचरण करते हुए भी ऐसे रहते हैं मानो यहाँ से अलिप्त हों। वो अच्छा भोजन खाते भी उसकी आसक्ति से परे रहते हैं, वे साधनों का उपयोग करते हुए भी उनसे न्यारे बने रहते हैं, जैसे कि वो केवल साधन मात्र हैं, वो उनकी साधना नहीं है, वो उनका लक्ष्य नहीं है। हमें ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर न्यारेपन की बहुत प्रैक्टिस करनी है। और ये याद रखना है, जो जितने देह से न्यारे बनेंगे वो उतने ही सर्व के प्यारे बनेंगे, विश्व के प्यारे बनेंगे और भगवान के भी प्यारे बनेंगे। देह से न्यारे बनने पर अनेक पदार्थों से, आसक्तियों से मनुष्य सहज ही न्यारा हो जाता है। हम ध्यान देंगे मान शान की इच्छा से न्यारे। दूसरों को मान मिल रहा है, ऐसी योगी आत्माएं इसमें भी सुखद फीलिंग करेंगी। उन्हें संकल्प नहीं चलेगा कि मुझे क्यों नहीं। मान मिल रहा है उन्हें भी, तो भी वो उससे न्यारे रहेंगे, जैसे कि ये सब मेरा नहीं, मुझे महान बनाने वाले बाबा का मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अपना सारा मिला हुआ मान सम्मान प्रभु अर्पण कर देंगे, न्यारे हो जाएंगे। संबंधों में रहते जो एक सबसे कठिन काम है न्यारा होना। माँ का अपने बच्चों से बहुत मोह रहता है, उसे उनकी पालना भी करनी पड़ती है, देख रेख, उन्हें पढ़ाना लिखाना बड़ा करना। माँ अपने बच्चों से बहुत ही गहराई से जुड़ी रहती है, उसके मोह ममत्व को अलग करना ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ योगी माता स्वयं को न्यारे और प्यारेपन के बैलेंस में स्थित करना चाहे तो वो कर सकती है, अर्थात बच्चों को प्यार देना, प्यार से उनकी पालना करना, उनकी केयर करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, लेकिन इस भाव से कि ये सभी आत्माएं हैं। आत्मिक भाव रखने से स्वतः ही एक निर्मल प्यार मन में बसने लगता है, और प्यार देने में या पालना करने में भी ऐसी माता बहुत सुखद फीलिंग करती है, क्योंकि मोह तो मनुष्य को कष्ट भी देता है, उसे दुख भी देता है, लेकिन जहाँ आत्मिक भाव है वहाँ साक्षी भाव भी आ जाता है कि इन सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, ये अपना अपना भाग्य लेकर ही हमारे घर में जन्मे हैं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इनकी पालना करने के लिए। ऐसा भाव रखने से प्यारा भी बहुत रहेंगे और न्यारापन भी रहेगा। पदार्थों को हम प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं, परंतु हम ये सोच कर कि ये पदार्थ हमें सुख देने के लिए बने हैं, न कि हम इनमें आसक्त हो जाएं। ये पदार्थ आज हैं, कल नहीं रहेंगे, इसलिए अनासक्त होकर हमें इनका यूज करना है। आज ये हैं और कल नहीं होंगे तो भी हमारी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसे हर तरह से न्यारेपन का अभ्यास हो, हम कर्म कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा इस देह के द्वारा कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा इन आँखों के द्वारा देख रही हूँ। ऐसा अभ्यास करने से कर्म करते हुए भी हम कर्म के प्रभाव से बिल्कुल डिटैच रहेंगे। तो आज सारा दिन हमारा अभ्यास यही रहेगा।
मैं आत्मा, चमकती मणि, ये मेरा देह, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरी आंखें, ये मेरी कर्मेंद्रियां, मैं इनके द्वारा कार्य कराती हूँ, मैं करावनहार हूँ। ऐसी गुड फीलिंग रखते हुए स्वयं को देह भान से न्यारेपन के अनुभव में रहेंगे। ओम शांति।